हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस अद्भुत प्यारे से लोकप्रिय चैनल में। मजाक कर रही हूँ। तो आज हम अपनी कविता पढ़ेंगे, अ फोटोग्राफ। कविता मतलब पोयम ही, ठीक है? आपकी फोटो नहीं खींच रही, कविता पे ध्यान देना है बस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी से, और ना डिटेल में लाइन वाइज लाइन समझाऊंगी वर्ड मीनिंग के साथ। तो पूरी की पूरी वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है? अगर बीच में छोड़ दोगे फिर दूसरी वीडियो पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि आप एक बार पूरी वीडियो देख लेना। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपनी लाइन नंबर 1 से लेकर 4। तो पहले पढ़ लेते हैं कि लाइंस में है क्या। द कार्डबोर्ड से लेकर ना हमें पढ़ना है सम 12 ईयर्स और सो तक। पहले इतनी एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है? यहां पर देखो, पैडलिंग मतलब होता है वॉकिंग करना, वॉक करना, ठीक है? तो अब यहां पर इन लाइंस में क्या होता है, पहले ना मैं तुम्हें ऐसा करती हूँ, कविता का एक जो इंट्रोडक्शन होता है ना वो दे देती हूँ, ठीक है? तो भाई ये कविता है एक बेटी और एक माँ के बीच में जो बॉन्ड होता है ना उसकी। अब तुम देख ही सकते हो कितनी सेंटी सी पोयम है ये, तो फिर भी हम इसको फनी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो एक माँ और बेटी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो इसमें बताया जा रहा है। क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, मैं पोएट हूँ और मैं अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही हूँ। पोएट अपनी मम्मी के बारे में बात कर रही होती है, वो ना अपनी मम्मी की एक फोटो की तरफ देख रही होती है, और उस फोटो में उसकी मम्मी जो है ना वो 12 साल की होती है। उनकी मम्मी और उनके साथ में बहुत सारे कजन्स होते हैं, 2-3 कजन्स होते हैं, और तीनों के तीनों ना आराम से बीच पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं। उनके किसी चाचा ताऊ ने फोटो खींच रखी होती है, ठीक है? ये होती है। तो जो पोइट होती है, यानी कि जो मैं हूँ, अपनी मम्मी की फोटो देख देख के ऐसे मुस्कुराती रहती थी। देखो कितना सुंदर और कितना प्यारा सा फेस था मेरी मम्मी का जब मेरी मम्मी छोटी थी, ऐसे ऐसे करके मैं मुस्कुराती रहती हूँ। लेकिन ना बाद में पोयम के ना लास्ट में जो पोइट होती है वो थोड़ी सेंटी हो जाती है, दुखी दुखी सी हो जाती है। क्यों दुखी होती है, अब वही तो सस्पेंस है इस पोयम में, ठीक है? सब मैं आपको सस्पेंस पहले बता दूंगी तो आप पूरी एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना सुनोगे, तो इसलिए पहले स्टार्ट करते हैं इससे और लास्ट में बताऊंगी कि वो सैड क्यों हुई थी, ठीक है? तो इन लाइंस में, जो लाइन नंबर 1 से लेकर 4 है, यहाँ पर पोएट जो है अपनी मम्मी की पुरानी फोटो को देख रही होती है, और वो गत्ते से बनी हुई होती है, कार्डबोर्ड से, ठीक है? इस पिक्चर में 3 लड़कियां होती है। बीच में जो लड़की होती है ना थोड़ी लंबूतरी सी होती है, ठीक है? लंबी सी होती है और ना उम्र में भी बड़ी वही होती है, और जो साइड में दोनों लड़कियां होती है ना वो थोड़ी छोटी हाइट की होती है और उम्र में भी बीच वाली जो है उनसे छोटी होती है उम्र में, ठीक है? जो बीच वाली लड़की मैं आपको बता रही हूँ ना वो ही होती है पोइट की मदर, ठीक है? तो अब इसमें पोइट की मदर वो बीच वाली होती है, और उस टाइम पे जब ये फोटो खींचा था ना तब उनकी मम्मी कितने साल की थी, 12 साल की है, ध्यान रख लेना, 12 साल की थी, ठीक है, जब वो फोटो ली गई थी। अब आते हैं हम लाइन नंबर 5 से लेकर 9 पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पर ट्रांजिएंट का मतलब ध्यान से देख लेना, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी या फिर शॉर्ट टर्म, ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, कुछ समय के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर देखो इन लाइन्स में, यानी कि लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 9 तक, इन लाइन्स में पोइट डिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये फोटोग्राफ है कैसा और मतलब किसने खींचा था उस टाइम पे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे हम तो अपने इंडिया की भाषा में बोल देते हैं कि हमारे चाचा ताऊ ने या फिर मामा वगैरह ने खींचा होगा फोटोग्राफ, लेकिन ब्रिटिश की भाषा में तो क्या बोलेंगे, अंकल ने खींचा था, ठीक है? सो यहाँ पर मदर के अंकल ने वो फोटो खींचा था, किसका, एक मदर का और उनके कजन्स का, ठीक है? तो उनके अंकल बोलते हैं कि भाई एक जगह खड़े होके पोज दे दो, ठीक है, मैं तुम्हारी फोटो खींच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे वो तीनों की तीनों लड़कियां बीच पे खड़ी हुई थी तो उनके जो बाल थे वो गीले हो गए थे, उन्होंने अपने बाल खोल लिए थे, और जैसे उनकी फोटो खींची थी ना तो कैमरे की तरफ देखे स्माइल करती है, स्माइल, ठीक है, ऐसे स्माइल करते हैं, ओके ओके। तो जैसे ही वो अपनी मम्मी की फोटो की तरफ देख रही होती है, वो स्माइल वाला फोटो, तो अपनी मम्मी के चेहरे को वो बड़ा स्वीट सा फेस बताती है, देखो कितना प्यारा नन्ना सा फेस है मेरी मम्मी का, ठीक है? और ये फोटो बहुत पहले की है, मतलब पोएट तब बॉर्न भी नहीं हुई थी ऑब्वियसली, और उससे पहले की फोटो थी काफी ज्यादा, जब उसकी मम्मी 12 साल की थी, ठीक है? फिर जो पोइट होती है, यानी कि अगर मैं हूँ पोइट तो मैं अपनी मम्मी के पैरों को कैसा बताती हूँ, टेरेबल ट्रांसिएंट। टेरेबल ट्रांसिएंट का क्या मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए मेरी मम्मी के जो पैर थे वो टेम्परेरी थे, कुछ टाइम के लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत यंग थे, उसके बाद मेरी मम्मी के पैर बड़े हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? आपके आज जो पैरों का साइज है वो ये थोड़े ना 30-40 साल बाद भी सेम ही रहेगा, ऑब्वियसली बदलेगा। तो वो जो यंग फीट थे वो कुछ टाइम के थे, लेकिन जिस समुन्द्र के पास उन्होंने
खड़े होके वो फोटो खिंचवाई थी, उस समुद्र में तो इतना ज्यादा चेंज आया ही नहीं, वो समुद्र तो आज भी मोस्टली वैसा ही है, ठीक है, उसका कुछ बदला नहीं है इतना, लेकिन मेरी मम्मी के पैर जरूर बदल गए, समुद्र का कुछ नहीं बदला, ठीक है। ओके, सो लाइन नंबर 10 से लेकर लाइन नंबर 13 पे आते हैं। सम 20-30 से लेकर ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे, और स्नैपशॉट का यहाँ पर क्या मतलब दिया हुआ है, फोटोग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे 20-30 साल बाद की बात हो रही है, आफ्टर 20-30 ईयर्स लेटर शी शुड लाफ एट द फोटोग्राफ। जैसे पहले मम्मी ने 12 साल की थी तब फोटो खिंचवाई थी, लेकिन उसी फोटो को अब जैसे वो 45 या फिर 50 साल की हो गई होंगी, तब वो उस फोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी कि देखो मैं छोटी सी कैसी थी, जो पोइट की मदर होती है तो, ठीक है। वो मुझे बताती, मतलब मेरी मम्मी मुझे बताती हैं या फिर पोइट को बताती है कि देखो मेरे कजन्स को देखो, बेटी और डॉली को, और देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ड्रेस किया हुआ था, है ना, और तीनों की तीनों हम बीच पे खड़े हुए हैं, और हमने पहले ही प्लान बना लिया था कि हमारा जो है वो फोटोग्राफ लेंगे वहां पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो बात करने लग जाती है। फिर यहाँ पर वो उस फोटोग्राफ को देख के ना उनकी जो मम्मी होती है वो बहुत खुश सी हो रखी होती है, देखो मैं छोटी सी ऐसी थी, बेटी और डॉली को देखो, हमारे कपड़ों को देखकर कैसे ढीले ढीले से कपड़े होते थे, और हमारा बीच के ऊपर फोटो खींचा था अंकल ने, तो ऐसे ऐसे हंस हंस के बात कर रही होती है। अब लाइन नंबर 14 और 15 देखते हैं। वॉज हर पास से लेकर विद द लेबर्ड ईस ऑफ लॉस तक, यहाँ पर राय का एक आयरॉनिक है और मॉकिंग इसका मतलब है। अब यहाँ पर देखो, अब समझाती हूँ तुम्हें। अब पोएट जो है, यानी कि मैं जो हूँ इन केस, ठीक है, वो रिकॉल करती हैं सी हॉलीडे को, कि मतलब बीच पे जाना, समुद्र पे जाना, मेरी मम्मी को बड़ा पसंद था कि बीच पे जाना है, समुद्र पे जाना, और वो काफ़ी अच्छा लगता था उनको, ठीक है। लेकिन मेरा यानी कि पोएट का जो फेवरेट मूवमेंट था वो क्या था, कि जब भी मेरी मम्मी हंसती थी ना तो मेरे को वो बड़ा बहुत अच्छा पल लगता था। जैसे मेरी मम्मी को क्या पसंद था, कि बीच पे जाना या फिर समुद्र के पास जाना, है ना, लेकिन मेरा क्या फेवरेट था कि मेरी मम्मी कैसे हंस रही है, उनके खिलते हुए चेहरे को, उनके हंसे हुए चेहरे को देखना, मेरे को बड़ा स्वाद आता था उसको देखने में, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप भी अपनी मम्मी को हंसता हुआ देखते होगे तो कितना अच्छा लगता होगा आपको, है ना। बोथ द वुमेन कौन, मदर भी और पोएट भी, ठीक है। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट द पास्ट मेमोरीज, वो दोनों के दोनों पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे पोएट की जो मदर है वो तो ये सोचने लग जाती है कि अरे देखो 12 साल की मैं ऐसे थी, और पोएट जो है वो भी पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रही है। कौन सी पास्ट मेमोरीज भाई, पोएट कौन सी पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच रही है, वो देखो। दे ट्राई देयर बींग टू एडजस्ट व्हाट दे हैव लॉस्ट, जैसे पोएट की मदर ने तो क्या लॉस्ट कर दिया था, अपना बचपन, लेकिन पोएट ने क्या लॉस्ट किया। अब मैंने तुम्हें मतलब इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगी कि पोएट सैड क्यों थी। अब पोएट ने ऐसा क्या खो दिया, ये बात करेंगे हम, ठीक है। पोएट कौन सी पास्ट मेमोरीज के बारे में बात कर रही है। लाइन नंबर 16 to 19 देखते हैं। नाउ शी हैज बीन डैश, अभी तुम्हें सस्पेंस का पता चलेगा। एंड देर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस। साइलेंसेस का क्या मतलब होता है, कि बिल्कुल ही आवाज नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि अब मेरी मम्मी की डेथ को 12 साल हो गए हैं। अब तुम्हें समझ में आया कि पोइट कौन सी पुरानी मेमोरीज के बारे में याद कर रहे हैं, कि उनकी मम्मी की जो डेथ है वो 12 साल पहले ही हो चुकी है जितनी वो फोटोग्राफ में थी, ठीक है। सो वेन एवर द पोएट, जब भी पोएट को अपनी मम्मी की डेथ की याद आती है कि अरे मेरी मम्मी की तो डेथ हो गई 12 साल पहले, तो उसकी वो जो फीलिंग्स है वो बयान नहीं कर सकती, ठीक है। उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा शांत सब कुछ शांति सी हो जाती है उनके आसपास, उनका ना तो किसी से बोलने का मन करता, और उसका बहुत गहरा असर पड़ता है उनके ऊपर, उनकी मम्मी की डेथ का, ठीक है। तो डेथ की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चुप चुप सी हो जाती है अपनी मदर की डेथ से, और इस वजह से डेथ के बारे में सोच सोच के वो स्पीचलेस भी हो जाती है, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाती इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, जैसे कि अनुप्रास अलंकार सुना आपने हिंदी में, जैसे अ अ अ बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे यहाँ पे देखो एस एस बार बार रिपीट हो रहा है, टी टी बार बार रिपीट हो रहा है। तो साउंड स्टिल, थ्रो देयर, माय मदर्स, टेरिबली ट्रांजिएंट एंड साइलेंस साइलेंसेस, ये एलिट्रेशन है। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, दोनों का अपोजिट, ओ फॉर ऑक्सीमोरोन, ओ फॉर अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट क्या है, लेबर्ड और ईज, लेबर मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और ईज मतलब बहुत ज्यादा ईजी, तो ऑक्सीमोरोन यहाँ है। और एपिथेट क्या होता है, एक ऐसा फ्रेज जो कि किसी भी क्वालिटी को, किसी पर्सन की क्वालिटी को दर्शाता है। तो जैसे कि टेरेबली ट्रांजिएंट मतलब कि
टेम्परेरी, कोई भी चीज टेम्परेरी है, ठीक है। सो आई होप आपको पूरी पूरी पोयम डिटेल में जो मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगर बात करनी है तो कोई भी डाउट के रिलेटेड। सो इफ यू लाइक द वीडियो बट यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच।